नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं चीनी, दूध, जल का एक ऐसा उपाय जो अगर आप करते हैं तो आपकी जेब कभी पैसे से खाली नहीं रहेगी। जी हां, लाल किताब का यह टोटका आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस उपाय को करने के बाद आप मात्र कुछ ही दिनों में धनवान बन सकते हैं और पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा असरदार ये उपाय है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा टिक कर रहे, आपकी जेब कभी पैसों से खाली ना हो और आपका नाम हमेशा करोड़पति लोगों की श्रेणी में आए, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देख लेते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। तो चलिए अब देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज के इस नए बेहतरीन उपाय के साथ। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, पैसा आने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जो आप करने में भी आसान हो और जिसको करने के कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी मिलने लग जाएं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह महाशक्तिशाली उपाय। ध्यान से आपने इस उपाय को सुनना है, क्योंकि अगर आप उपाय को करने में गलती करेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए उपाय स्टार्ट करते हैं। आपने सोमवार के दिन से इस कार्य को प्रारंभ करना है। आप एक स्टील का लोटा ले लें, उस लोटे में आप ताजा जल भर लें। जी हाँ, आधा लोटा या आधे से भी थोड़ा ज्यादा आप जल का भर लें। उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा दूध यानी कि 4 चम्मच दूध के डाल लें। अब आप इसी लोटे के अंदर चीनी, जी हाँ, 1 चम्मच भर करके चीनी का डाल लें। अब इस चीनी को इस जो दूध मिश्रित जल है इसमें अच्छी तरह से घुमा लें, जिससे कि जो चीनी हमने इसमें डाल रखी है वो चीनी अच्छी तरह से इस दूध मिश्रित जल में मिक्स हो जाए। अब आपने इस लोटे को अपने हाथ में, राइट हैंड में, 5 मिनट तक लेकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इस शब्द का उच्चारण करना है लगातार 5 मिनट तक। उसके बाद आपने किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपने रास्ते में किसी के साथ भी बातचीत नहीं करनी है और सीधा आप पीपल के पेड़ के पास जाएं। अब वहां पर आप इस लोटे को अपने आगे रख करके बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे ब्रह्म वृक्ष, ये दूध मिश्रित और नैवेद्य मिश्रित जल मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, इस जल को आप स्वीकार करें और मेरे मन की मनोकामनाओं को आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। ऐसा बोलते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो लोटे का दूध मिश्रित जल है वह आपने पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। सोमवार के दिन सुबह के टाइम यानी कि जिस समय सूर्य निकल जाए उस टाइम ये उपाय आपने करना है। केवल रविवार का दिन आपने छोड़ना है। इसके अलावा आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप तब तक लगातार करते रहें जब तक कि आपकी जो पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर ना हो जाएं, जब तक आपको ऐसा प्रतीत होना शुरू ना हो जाए कि आपके ऊपर जो पैसे का कर्ज था या अगर किसी प्रकार से परिवार में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब तक वो धीरे धीरे करके समाप्त ना होने लग जाएं, जब तक आपका सारा कार्य सेट ना हो जाए,
तब तक आपने इस उपाय को करते रहना है। और मैं यकीन मानता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो भी भक्त सच्चे मन से इस बहुप्रतीक्षित उपाय को करेगा, उसकी सर्व मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। प्यारे बंधुजनों, जब तक आप इस उपाय को करेंगे, आपने सात्विक रहना है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, आपने भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, और जितना भी हो सके अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, किसी को अपनी वाणी से कटु वचन नहीं बोलने हैं। आप देखिएगा कि मात्र कुछ ही दिनों में उपाय आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अगर फिर भी आज के उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।